ये चरसी बुढ़ियों से पूछिए, आप इन गजेड़ियों से पूछिए कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरोटिक मूवी है, तो इस एरोटिक मूवी में शिल्पा शेट्टी को कास्ट क्यों नहीं किया। मैं तो करण जौहर से भी कहती हूँ, करण जौहर बार बार कहते हैं कि मैं सुपरस्टार्स के बच्चों को लॉन्च करता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, तो लेट्स डू वन थिंग। राजकुंद्रा और सबके लिए आप लोग बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, राजकुंद्रा के लिए कोई बोलने भी नहीं आया कि राजकुंद्रा ने जो किया वो गलत किया, तो मैं तो कह रही हूँ करण जौहर जैसे लोग, राजकुंद्रा जैसे लोग, शिल्पा शेट्टी जैसे लोग एरोटिक या पोर्नोग्राफी वाली मूवी क्यों नहीं बनाते और अपनी बेटी को क्यों नहीं लॉन्च करते। करण जौहर की भी एक बेटी है छोटी, मैं किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए वो बच्चा है, मासूम है, इनकी बेटियाँ भी हमारी बेटियों की तरह, लेकिन जब आप हमारी बेटियों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो हम ये कहेंगे कि आप एरोटिक मूवीज़ में भी अपनी बेटियों का को कास्ट करिए। सबको पता है कि जो बड़े बड़े रैकेट चलते हैं वो बहुत सारे टेबलों तक पैसा जाता है, इसमें बहुत बड़े नाम है, जैसे सुशांत के केस में बहुत बड़े नाम है, कुंद्रा के भी केस में बहुत बड़े नाम है, 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ के बंगले में अगर आप रह रहे हैं तो आज तो हमें ये लगता है कि ये सारा पैसा जो आप आपके पति कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में आप खुद उनकी पार्टनर हैं, आपके नाक के नीचे आपके पति इतना क्रिमिनल काम कर रहे थे और आपको पता नहीं चला, आप कैसी इररिस्पॉन्सिबल वाइफ है, कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है आपके पति की और आप कैसी गैर जिम्मेदार पत्नी है कि आपको पता ही नहीं कि आपका पति क्या गुलशर रहे, आप योग की सीरीज बनाते रहे, वो पोर्नोग्राफी की सीरीज बनाते रहे, आप दोनों मिलके इसका मतलब जनता को बेवकूफ बना रहे थे। और शिल्पा शेट्टी को तो देखिए लोग बोलेंगे क्योंकि राजकुंद्रा को कोई नहीं जानता था, लेकिन राजकुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति हैं, इस नाते वो बहुत सारे रील्स और बहुत सारे वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे आप रोज कभी फनी वीडियोस अपनी वाइफ के साथ, कभी साली के साथ, कभी माँ के साथ, अगर आप फेम लेते हैं तो डिफेम भी आपको लेना पड़ेगा। देखिए आपको पता होगा कि बहुत बड़ा गैम्बलर वो है, राजकुंद्रा इज वन ऑफ द बिगेस्ट सट्टेबाज ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको याद होगा कि IPL में भी सट्टेबाजी करते थे, गेट बिटकॉइन का 2000 करोड़ का भी स्कैम इन्होंने किया है, मॉरिशियस की एक ऑनलाइन कंपनी में भी धोखाधड़ी का 24 लाख का मामला है इनके ऊपर, अंडरवर्ल्ड का एक कनेक्शन आया था जिसमें 10 घंटे की पूछताछ इनसे हुई थी, और बहुत सारे ऐसे, अब तो इनकी कंपनी के 4 ऐसे लोग जो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं, जो गवाह बन रहे हैं, जिन्होंने कहा कि राजकुंद्रा ने जो सबूत थे उससे छेड़छाड़ भी की है, यहाँ से आप वीडियो गंदी अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ पे जेल चले जाएंगे, तो आप अपने रिश्तेदार जो आपके बख्शी साहब बैठे हैं वहाँ पे लंदन में, आप उनको भेजते हैं, वहाँ से वो वीडियो अपलोड करते हैं। अरे भाई मैं तो बार बार टीवी चैनल पे चिल्ला चिल्ला के पूछ रही हूँ, इसमें बॉलीवुड नाराज़ हो जाता है। ये चरसी बुढ़ियों से पूछिए, आप इन गजेड़ियों से पूछिए कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरोटिक मूवी है, तो इस एरोटिक मूवी में शिल्पा शेट्टी को कास्ट क्यों नहीं किया। आप शिल्पा शेट्टी को या शिल्पा शेट्टी की जो छोटी बहन है वो भी तो एक्ट्रेस है, आप इनको क्यों नहीं कास्ट करते। आप अपनी बीवी को कास्ट नहीं करेंगे, आप अपनी साली को कास्ट नहीं करेंगे, आप अपनी बेटी को कास्ट नहीं करेंगे, आप अपनी घर की महिलाओं को कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहर के बच्चे आ रहे हैं ना, जो बॉलीवुड में एक सपना लेके जा रहे हैं, आप उनको फंसा के उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के जिसमें आप ये कहते हैं, पहले आप उनको वो सीन करने पे, वीडियो बनाने पे मजबूर करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तब आप उनसे कहते हैं कि अगर आप बैकफुट हुए तो आपके ऊपर 10 लाख का जुर्माना है। अरे भाई जो नया बच्चा, जो नई लड़की यूपी बिहार झारखंड केरल कहीं से जाके बॉम्बे में अपना करियर बनाने जा रही है, वो 10 लाख रुपये आपसे कहाँ से देगी, मजबूरी में वो आपके साथ ये फिल्म बनाते हैं, वो न्यूड वीडियोज़ बनाते हैं, फोटोग्राफ, गुनहगार वो भी हैं, मैं उनको कह रही हूँ जिन लड़कियों ने इस पे काम किया, लड़कों ने काम किया, वो भी गुनहगार हैं, पर जो उनको फंसा के काम करा रहा है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये साइबर क्राइम है, ये साइबर टेररिज्म है, ये आज से आने वाले 10 साल बाद का भविष्य हमारे देश का युवाओं को एक गंदी पीढ़ी बना देगा, एक गंदा रास्ता दिखा रहा है। अरे आप अपनी बेटी को लॉन्च करो ना, मैं तो करण जौहर से भी कहती हूँ, करण जौहर बार बार कहते हैं कि मैं सुपरस्टार्स के बच्चों को लॉन्च करता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, तो लेट्स डू वन थिंग। राजकुंद्रा और सबके लिए आप लोग बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, राजकुंद्रा के लिए कोई बोलने भी नहीं आया कि राजकुंद्रा ने जो किया वो गलत किया, तो मैं तो कह रही हूँ करण जौहर जैसे लोग, राजकुंद्रा जैसे लोग, शिल्पा शेट्टी जैसे लोग एरोटिक या पोर्नोग्राफी वाली मूवी क्यों नहीं बनाते और अपनी बेटी को क्यों नहीं लॉन्च करते। करण जौहर की भी एक बेटी है छोटी, मैं किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए वो बच्चा है, मासूम है, इनकी बेटियाँ भी हमारी बेटियों की तरह, लेकिन जब आप हमारी बेटियों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो हम ये कहेंगे कि आप एरोटिक मूवीज़ में भी अपनी बेटियों का को कास्ट करिए। मैम आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड चुप क्यों है, क्या बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे नाम है जो इनके साथ थे या इनके साथ बिजनेस कर रहे थे? देखिए इतना बड़ा अगर कारोबार चल रहा है दिल्ली से लेके, अरे मैं मुंबई से लेके लंदन तक, देश से लेके विदेश तक, तो यकीन मानिए कि इसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, इसमें सारे बहुत सारे लोग पक्ष विपक्ष के भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बॉलीवुड के, लेकिन बिना सबके मदद के आपको लाइसेंस कैसे मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एक बंगला जिसको आप बुक करते हैं, आप उसमें वीडियोस बना रहे हैं, उस बंगले की जानकारी भनक नहीं लगती,
सबको पता है कि जो बड़े बड़े रैकेट चलते हैं वो बहुत सारे टेबलों तक पैसा जाता है। इसमें बहुत बड़े नाम है, जैसे सुशांत के केस में बहुत बड़े नाम है, कुंद्रा के भी केस में बहुत बड़े नाम है। बीजेपी विधायक ने जो आरोप लगाया 2500 से लेकर 3000 करोड़ का घोटाले का, वो साबित हो पाएगा, वो सच निकलेगा या जाँच में वहाँ क्राइम ब्रांच निकाल पाएगी? देखिए, बीजेपी के जो विधायक ने आरोप लगाया है, मैं उस आरोप के बारे में नहीं जानती कि वो सही होगा कि नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है वो व्यक्ति वैसे ही, उसका अगर आप पास्ट देखेंगे तो वो बहुत ही आरोपित व्यक्ति है। ये बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो ढाई हज़ार करोड़ का घोटाला अगर सामने आ जाए और आपको पता चले कि राज कुंद्रा उसमें लिप्त थे, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका तो इतिहास ही काला है। मैंने तो आपको बताया इनका इतिहास सट्टेबाजी से लेकर सब कुछ इन्होंने किया, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक की बातें सामने आई हैं। अब तो इनके कंपनी के लोग खुल के इनके लिए बोलने आए, बॉलीवुड की बहुत सारी लड़कियाँ जिनको इन्होंने पीछे परेशान करने की कोशिश की या जबरन करने की कोशिश की, बहुत सारे लोग सामने आके इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये हैं, ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो क्राइम फैला रहे हैं। क्रिमिनल सिर्फ वो नहीं होता जो बम फेंक देता है, ये साइबर क्राइम भी क्रिमिनल है, क्राइम है, तो क्रिमिनल्स तो ये हैं। आपको क्या लगता है, शिल्पा शेट्टी अभी भी ये कह रही है कि उनके पति निर्दोष हैं, और साथ ही साथ एक आखिरी आपसे सवाल है कि शिल्पा शेट्टी कुछ मीडिया चैनल्स पे भी कोर्ट तक पहुंच गई? मैं कह रही हूँ कि शिल्पा शेट्टी अगर ये कह रही हैं कि उनके पति निर्दोष हैं, तो वो बताएं कि ये जो इतने घोटाले इतने घपले थे वो सही है? एरोटिक मूवी में किसी की बेटी को लॉन्च करना सही है? अगर वो सही कहती हैं तो वो लिख के दें हमें कि 15 साल बाद वो अपने परिवार की बेटी, अपनी बहन या खुद, अब जो नेक्स्ट एरोटिक मूवी बनाएंगे उनके पति उसमें लीड रोल में होंगी, अगर उसमें कोई बुराई नहीं है तो आप एरोटिक मूवी करिए ना, क्या दिक्कत है? क्राइम ब्रांच के पास इतनी सभी, तो आपको पता होगा कि जिस दिन पहली बार इनके यहाँ छापा पड़ा है उस दिन 7 करोड़ का एक मामला आया है जिसमें 7 करोड़ रुपए इनके यहाँ से जब्त हुए हैं। शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में बहुत सारे ऐसे पैसे साउथ अफ्रीका और अलग अलग लंदन और बहुत सारी कंट्रीज से आए जिसका इनके पास जवाब नहीं है। तो शिल्पा शेट्टी के पास ये पैसे कहाँ आए? 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ के बंगले में अगर आप रह रहे हैं तो आज तो हमें ये लगता है कि ये सारा पैसा जो आप आपके पति कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में आप खुद उनकी पार्टनर हैं, आपके नाक के नीचे आपके पति इतना क्रिमिनल काम कर रहे थे और आपको पता नहीं चला, आप कैसी इररिस्पॉन्सिबल वाइफ है, कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है आपके पति की, और आप कैसी गैर जिम्मेदार पत्नी है कि आपको पता ही नहीं कि आपका पति क्या गुलछर्रे उड़ा रहे, आप योग की सीरीज़ बनाते रहे, वो पोर्नोग्राफी की सीरीज़ बनाते रहे, आप दोनों मिलकर इसका मतलब जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन वो तो ये कह रही हैं कि जिस तरीके से है उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनके बच्चों को, उनकी सास ससुर को, उनके पति को। बच्चों को तो कोई नहीं बोलता है, बच्चों के बारे में तो कोई नहीं बोल रहा है, वो मीडिया हाउस तक तो। लेकिन आप मीडिया हाउसेस पे अगर आप केस कर रहे हैं, आप अगर कुछ कर रहे हैं, तो आपने अगर देश में इतना बड़ा गलत काम किया है, मुंबई की क्राइम ब्रांच आपको पकड़ रही है, ईडी की भी जांच शुरू हो सकती है, आपके इस तरह के कनेक्शंस अगर सामने आ रहे हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे अपकमिंग मॉडल्स, स्ट्रगलिंग मॉडल्स आपके खिलाफ अगर बोल रहे हैं, सबूत में भी अगर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात में सच्चाई है। और शिल्पा शेट्टी को तो देखिए लोग बोलेंगे क्योंकि राज कुंद्रा को कोई नहीं जानता था, लेकिन राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति हैं, इस नाते वो बहुत सारे रील्स और बहुत सारे वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे आप रोज़ कभी फ़नी वीडियोस अपनी वाइफ के साथ, कभी साली के साथ, कभी माँ के साथ, अगर आप फेम लेते हैं तो डिफेम भी आपको लेना पड़ेगा।